Hi guys, good morning, welcome back to my channel and आज है 19th May and time हो रहा है 5:30 सुबह के. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक तो घर आके मैं first time I think vlog कर रही हूँ. And आज का vlog करने का reason है कि मेरी रात को मेरे gym instructor से bet लगी थी कि मैं सुबह workout करने नहीं आ सकती इतनी जल्दी उठ के. मैंने स्पेशली मैं रात को मेरे ताऊजी वगैरह आए थे, हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे, मैंने 4:45 का अलार्म लगाया कि बेटा आज तो वर्कआउट करने जाना है. तो मैं 4:45 उठी एंड नाउ आई एम रेडी एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द जिम और मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स को सरप्राइज देने वाली हूँ कि देखो मैं उठकर आ गई हूँ सुबह सुबह. लेट्स सी उनका क्या रिएक्शन होता है एंड आई टेक यू अलॉन्ग द होल डे एंड ये लेट्स गो. सुबह इतना उठ के मतलब जबकि नींद पूरी नहीं हुआ, आई वोंट सजेस्ट कि आप लोग इतना लेट सोकर इतनी जल्दी उठो, बट मेरे को आज ये टास्क कंप्लीट करना था. बट मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह उठ के, तो ये मैं पक्का से रूटीन अपनाने वाली हूँ नेक्स्ट जितने भी दिन मैं यहाँ हूँ एंड वहाँ जाके होपफुली. सो लेट्स सी. गुड मॉर्निंग सर, क्या कहना चाहोगे? मैं बैच जीत चुकी हूँ, आपसे पहले आई हूँ मैं जिम और जो आपने आके मुझे कुत्तो, मैं व्लॉग भी नहीं अपना स्टार्ट कर पाई, आते ही मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे सारे. हाँ मैं बना रही हूँ, आप क्या कहना चाहोगे? मैं बैट जीत चुकी हूँ. कल मिलते हैं ना? कल क्यों, ये क्या बात है? मैं रात को 1:30 बजे सोकर सुबह उठी हूँ 5:45 बजे. हम तो 5 बजे आ जाते हैं, मेरे को लगा कि आप दोनों बोलोगे कि 5 बजे की बैट. हमारा कल सेट हो गया था कि हमें जाना नहीं, तो मेरे को बताना बनता है कि नहीं? मैं डेडिकेटेडली वर्कआउट करके आई हूँ रात को 1:30 बजे. आप भी थे उसमें शामिल ना? आप भी थे. I have missed this place so much and अगर आप लोग जानते हैं तो मैं Zumba instructor and और कल एक बहुत special चीज़ हुई. मैंने 2-3 महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद एटलीस्ट कल Zumba करवाया क्लास में, एक ही ट्रैक करवाया, but it was such a happy feeling and मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई. एंड जितने भी पुराने मेम्बर्स आते थे सब बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ एक क्लास करवा दो. तो यू नेवर नो, जाने से पहले मैं एक क्लास लेके जाऊँगी Zumba की, बट अभी आई एम रियली हैप्पी. रात को इतनी लेट सोकर भी मैं इतनी सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करने आ गई हूँ, दैट्स द स्पिरिट. गुड मॉर्निंग सर, क्या कहना चाहोगे? मैं आपसे पहले जिम मैं पांच बजे से यहाँ पर आई हुई हूँ. मैंने आते दिन सर को कॉल किया है, आप लोगों ने मुझे नहीं पूछ लो, ऊपर जाके पूछो जाके. आपने मुझे धोखा दिया है सर, बोल कर कि हम सुबह 5 बजे आ जाते हैं. क्या बोलना चाहोगे आप? मैं जीती हूँ सर, मैंने ब्लॉग किया, स्पेशली लोगों को पता है जिम सबसे पहले मैं घुसी हूँ. आपको पता है नीचे मेरे ऊपर कितना बड़ा जानलेवा हमला हुआ है, आधे यहाँ पे कोई नहीं था, कुत्ते ऐसे पीछे पड़े हैं ना, मेरे बचाने वाला कोई नहीं था. हाय गाइस, आई एम बैक टू होम, हेडिंग टुवर्ड्स होम एंड देखते हैं आगे का दिन कैसा जाता है. हेलो आंटी, कैसे हो आप? Hi guys, so resuming from where we left in the morning, workout ho chuka hai and as I told you guys that I'm gonna keep you with me the whole day. So finally abhi time ho raha hai, 2 baj chuke hain and aaj Saturday hai, to aaj maine mamma papa ko off dilwaya hai and finally we are out of our homes for weekend getaway. We are going for shopping to Lajpat Nagar and I can't believe my next week I'll be going back. Itni jaldi time nikal gaya pata bhi nahi chala. सो अभी हम लोग कुछ पापा को प्रॉपर्टीज देखनी थी वो देखने गए थे, अब हम निकल गए हैं लाजपत नगर के लिए. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डेंट फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ होम, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है इधर, इतनी ज़्यादा आई फेल लाइक मैं घर पे ही पूरा छुट्टियां घर पे ही निकाल दूँ. बट ठीक है, ऐसे फिर जाकर मेरे को रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ शॉपिंग नहीं करी और ये वो सब चीज़ें, और मम्मी पापा साथ में तो पैसे तो भाई देंगे ना. तो ऑल्सो आई एम गेटिंग अ वेरी स्पेशल थिंग डन टूडे, आई एम नॉट गोना रिवील इट राइट नाउ. Be with me in the entire video and I'll let you know. My dad interrupted me to be here and he said, Yamuna dikhao logo ko. Beta, aaj to shopping sirf aapke liye ho rahi hai. To jo bhi aapko pasand ho, jo bhi karwana ho. We are always with you, only for you. Oh my god. इतनी इमोशनल जो आपने लाइनें बोल दी है, ठीक है ये भी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट है. सो वी आर ऑन द वे टू लाजपत नगर एंड इट्स वेरी हॉट. इफ यू गाइस आर थिंकिंग दैट इफ यू आर प्लानिंग
टू कम टू दिल्ली आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू कम हियर. मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर क्यों बन रही हूँ, बट ओके आई एम जस्ट शेयरिंग माई पीस ऑफ एडवाइस विद यू ऑल. तो हम लोग आए थे 8th को यहाँ पे एंड टुडे इज 21st. अभी तक हम लोग यहाँ से लेजेंड बाहर नहीं गए शॉपिंग करने या कहीं भी, क्योंकि इतनी प्लानिंग करके आए थे कि यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे. तो निशा मैं और सुनैना ने तीनों ने डिसाइड किया था कि नहीं नहीं यार इतने दिन अलग नहीं रहेंगे, मिल लेंगे बीच में. बट अभी तक एक भी इंसान ने इनिशिएट नहीं किया क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है बाहर. हम दिनों में से कोई भी बाहर ऐसे निकल नहीं. तनिषा जा रही है हॉस्पिटल अपने चेकअप्स के लिए, बट लाइक ऐसे शॉपिंग करने और कुछ भी जो हम प्री प्लान करके आए थे उसके लिए अभी तक में से हम दिनों में से कोई नहीं गया. टुडे आई एम गोइंग फॉर इट एंड काफ़ी लंबी लिस्ट है जो मुझे करवा कर जाना है. लेट्स सी हाउ डज इट गो एंड वी आर फाइनली एट लाजपत नगर मार्केट आफ्टर 3 months. मम्मा आप भी नहीं आए ना जब से मैं गई हूँ. सो आई एम अ बिट नर्वस नाउ. मैं बता देती हूँ क्या छुपा हूँ. आई एम गोइंग फॉर इट फ्रेग्रेंस प्योरसिंग. टू एक्साइटेड फॉर इट बट दिल में थोड़ा थोड़ा दो मुझे दर्द नहीं होता है बट तब थोड़ी सी नर्वसनेस होती है वही हो रही है. बट लेट्स सी हाउ डज इट गो. दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर्स. यहाँ जब मम्मा और मैं आते हैं तो वी मेक श्योर कि हम कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद के जाएं एंड सबसे पहले हम यही जा रहे हैं. ये पहुंच चुके हैं हम. आप कराना चाहोगे तो मेरी वीडियो बनाओ. ये मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ, मुझे पता है ये टेक्निक. क्यों इतने कष्ट से आ रहे हो बताओ जरा. है फनीएस्ट पार्ट इज कि मैं बॉम्बे से इसलिए करा कर आई थी बिकॉज मुझे लगा कि जाकर मम्मा के पैसे खर्च करवाऊंगी और उधर से सारी शॉपिंग करूंगी और पियर्सिंग करवाऊंगी. एंड यहाँ पे पियर्सिंग के बाद मम्मा बोलती मेरे पास तो फोन है ही नहीं, फोन पापा ले गए हैं तो पेटीएम कर दो जरा. तो छुप कहाँ रहे हो भाई, छुप कहाँ रहे वहाँ. तो मैंने इस चीज़ का पेटीएम किया और मुझे लगा कि हम हमारी शॉपिंग के लिए आए, बट मेरे को अब ऐसा लग रहा है जाते हुए कि मेरे को दोबारा अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बनाना पड़ेगा. फ्रेंड्स के साथ क्योंकि मैंने तो कुछ शॉपिंग करी नहीं और मम्मा ने अपने लिए खरीद लिया जो खरीदना था और मैं कुछ खरीद नहीं पाई हूँ. तो आई थिंक आई एम गोना कम बैक विद माय फ्रेंड्स. मैंने इसलिए खरीदा है क्योंकि आप तो मुझे मिलोगे नहीं ना, 2-3 महीने का मैंने कोटा भी मैंने मैंने मैं इसलिए कुछ शॉपिंग मैंने 2-3 महीने से नहीं की थी कि मैं मम्मा के आगे पैसे खर्च कराऊंगी. और मम्मा ने अपने कपड़े भी मेरे ही पेटीएम से पे करके दिलाया, बट एनी हाउ अकाउंट में पैसे उन्हीं की तरफ से आते हैं. तो
बट जब भी ऐसे अपने अकाउंट से जाए तो ऐसे कुछ कुछ होता है ना, चाहे पैसे किसी के भी हो, तो यार बट आई एम हैप्पी आई गॉट इट डन। एंड शॉपिंग के लिए मैं भी घर जाकर, ये लोग फंक्शन में जाएंगे, मैं भागूंगी H&M क्योंकि मेरा मूड हो चुका है बहुत ऑफ। मैं इतनी दूर आई हूँ, मैंने कुछ नहीं खरीदा, बट मैं वापस आऊँगी यार, मैंने कम बैक। See you guys, I hope you like the vlog, do not forget to like, comment and subscribe to my channel and notifications on, ye kya tha, notifications on karna na bhoolein and see you in the next vlog.